बड़ी जबरदस्त है। वैसे जी देखो है कितना है। हाँ सोचिए रहे हैं आज बस वो ये दीवार है, ये पता नहीं किधर जहांगीर साहब भी तो। ये जनाब मेरे कायद ने जना आज पुदना आंदा वे अपने घर लाए, घर लाए सर जी, बड़ा जबरदस्त है जी। जी क्या है असली पुदना वैसे कुछ वो भी वैसे आ रही है ना असली पुदना है। बड़ी जबरदस्त है जी। जी जी बहुत शुक्रिया कायद, एक कायदा कायद सर जम्मू कश्मीर तो स्पेशल मंगाया जी साढ़े वास्ते पुदना, तो देखो पुदना तुम। चलो जी मारो चाल जी मामू साहब। ओ हेडलाइन क्या लगी हुआ है। वैसे जी देखो है कितना ये सिस्टम है इसका ना। असल तो आवाम क्या आखने आवाम नहीं ना सुननी ना सीरियसली सुन तक ना जी। ये जगह मामू साहब जी जो लोग ब्रैडफोर्ड रहने ना खास तौर पर लटन उन्हें चढ़ाया था अच्छा जिम्मे ना जान क्या हाल है ऐसे पहाड़ी पर कसम रार जान पार जान आपू तो कौन जी जे चौथा दिन है। मामू साहब जो ना वो तो बकायदा साड़ी कराने ना एक्सरसाइज भी। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज चौथा दिन है असं वो कर रहे हैं मैं हाँ पिछले महमूद कश्मीरी साहब उसे दिसने हो सन है माड़े भाई न जहांगीर साहब वो भी उसे दिसने हो सन, तो असं सोचिए रहे हैं अज मसे मसे दिखलते हैं सोचा कि यूरो असं वोक रोज ही करनी है अलहमदुल्ला, तो हम कोशिश करा कर सर हर दिहाड़े ना नाल दिहाड़ा ही बजा करा चौथा दिहाड़ा पंजवा दिहाड़ा छवा दिहाड़ा थोड़ा उसे अंदाजा भी हो जा करें। अच्छा इतको पिछले फील्ड्स ने ठीक है वो दुए एक वीडियो दसिया माड़े दोस्त कि इतने जरा ना उस पिछले ग्राम है तो इस पिछले ग्राम है बेसिकली तो ये जरा ना इस ग्राम है इसे घर शहर से रहने सारे ठीक है। अच्छा उन्हें तुम तको कि पिछले जरा ना दसना उसी है तको ये पहाड़ी है राइट ये चढ़ाई तो ढलाई है तो जो लोग ब्रैडफोर्ड रहने हो अल्लाह ने बंदे हाथ है चो वो करो एवं जिम्मे पैसे जाया करने हो इतने तुम वो करो हाँ चढ़ाई ढलाई टलो हाँ पता लगा है कि मशीन मटाने कैसे मटाने क्या हाल जी मामू साहब सोनी क्या राय है इसने बहुत अच्छा जी जिम जाने ताज़ा हवा है बेहतरीन है जी जिम जाने की कोई जरूरत नहीं। ते अमीन साहब इतना दसो तक व्यू तो दसो ने जी चढ़ाई है फिर मुड़ी टलाई इतना मामूद साहब असर एक्सरसाइज भी कराने बड़ा मजा आई रहा है सारा लोकल है ये सारा लोकल है नाल दो त्रै मिनट ना रस्ता पे घर थी सैशन वास्तव तो यह है कि मैं सारे की आना कि तुम अपनी सेहत का खास ख्याल रखो सवाल ही नहीं पैदा होना ਇਹ ਆ ਜੀ ਪਨਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸਭ ਕੋਈ ਫਸਲ ਕੋਲ ਰਹੀ ਇਸਲੇ ਬਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਣ ਕਿਸਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ छोटी छोटी गलियां होनी ना पूछा कि ना उस गड्डियां कौन सी कड़वंजी होनी सी ना खोदी जिसे आने पानी आने से वो गुजरी जाए इतो ये तो कौन पता ही है कसम लगना मैं निका जाना सा मामू साहब तो जी ने उसी अपने थाल लेना ग्रां जड़ा पर ठीक है सुना तुम शायद सफर किया उस पास ना बारहवें पाले पास ना मैरे तो पार यकीन करो उत्थे इे निके निके रस्ते से निके निके हूँ मैं उसे बहुत सारी बदकिस्मती कह कि सारे लोग ना इतने गल करने इंग्लैंड नहीं इंग्लैंड बड़ा तंग है फलान है टिंग है वो लाने बंदे है ना जगह पुछो उसे पता लगे ना कि यह भी पहाड़ी इलाके भी इतना है ना तो दबाई गया
ਉਸਾ ਯੋਗਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਣ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਈ ਅਤੇ ਮਾਮੂਦ ਬਾਈ ਸੋ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨੇ ਸਭ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇਖੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋ ਤੱਕੋ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਕਾ ਮਕਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇਹ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਸਮੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਂ ਸ਼ਾਂਜੀ ਫਿਰਨੇ ਅਸਾਂ ਖੋਤੀ ਰਸਤਾ ਖੋਤੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਉਸ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਚਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਛੇ ਫੁੱਟ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬੂਟੇ ਛੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਾਣੇ ਚਲੋ ਡੀਨ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਡੀਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ ਕਿਉਂ ਸਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੋਕ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨੀਚੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚੁੱਲੇ ਹਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਡੀਨ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਜੀ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਣ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਖੇਡੇ ਨਾ ਮਾਮੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਿਮਰ ਬਣੋ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਬਾਰੂਦ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਆਈਏ ਕਿਹੜੇ ਆੜੇ ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ